सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। सीबीआई की 6 लोगों की टीम को भी क्या क्वारंटीन किया जाएगा? जी हाँ, ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है और हर कोई इस बात को लेकर बीएमसी का मजाक बना रहा है। जिस तरह से विनय तिवारी आए, उनको क्वारंटीन कर दिया गया और अब जो है 6 लोगों की सीबीआई टीम भी आ रही है, तो लोगों में अब इस बात की चर्चा है कि क्या अब बीएमसी के कर्मचारी उनको भी क्वारंटीन कर देंगे। गुप्तेश्वर पांडे की माने तो कर्मचारी जो है बीएमसी के, वो बाकी 4 अफसरों को भी ढूंढने में लगे हुए थे। विनय तिवारी को भी बाहर निकलने से डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि अगर वो बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि इन पर केस कर दे कि इनको क्वारंटीन किया गया है फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। अब ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि सीबीआई अफसरों के साथ क्या होगा, क्या उन 6 लोगों की टीम को भी क्वारंटीन करके बैठा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं, आप जांच नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आपको 14 दिन तो रहना ही पड़ेगा क्वारंटीन और उसके बाद जांच शुरू करेंगे। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर बीएमसी जो है जो अपना मजाक बनवा चुकी है और सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला, उसके नीचे भी अगर मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ूँ तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसी बात का जिक्र किया है कि मैडम क्या बीएमसी को भी क्वारंटीन किया जाएगा क्या, पूछिए बीएमसी से कि उनके लिए कौन सा कमरा बुक किया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इस तरह के सवाल जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस बात का मजाक बनाया जा रहा है कि बीएमसी ने जो पासा फेंका था कि विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया जाए और जांच रुक जाएगी, मुझे लगता है वही पासा जो है महाराष्ट्र सरकार का उल्टा पड़ गया और विनय तिवारी का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जितनी टीका महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की और जो है बीएमसी की हुई है, इससे पहले इतने दिनों तक इतनी टीका कभी नहीं हुई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई के ऑफिसर्स को क्या वाकई में क्वारंटीन किया जाएगा।